क्या मुझे अपनी SIP बंद कर देनी चाहिए? क्या मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विथड्रॉ कर लेना चाहिए? क्या ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं? चिंता मत करो, ये पहली गिरावट नहीं है। स्टॉक मार्केट पहले भी ऐसी कई गिरावटों से गुजरा है। यदि आप ज्यादा फायदा चाहते हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप रिस्क फ्री रेट से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी, और वह कीमत है बाजार में गिरावट के दौरान धैर्य से निवेश के साथ बने रहना। जब हम पिछली गिरावटों को देखते हैं तो वे खोए हुए अवसर की तरह महसूस होती हैं, और हम सोचते हैं कि काश यदि हमें टाइम मशीन मिले तो हम अतीत में जाके उस गिरावट के दौरान अधिक निवेश कर ले। फिर मौजूदा गिरावटों से डरना क्यों? गिरावट के दौरान अधिक निवेश करने के तर्क पर डर की भावना को जीतने ना दें। याद रखें, आप गिरावट, उसका समय और सुधार के समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तय है, गिरावट अस्थाई है और बढ़त स्थाई है। गिरावट के दौरान ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे करके तेजी से बेहतर धन सृजन सुनिश्चित करने के लिए निवेश करते रहें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।